रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी के बाद से अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं कर पाए हैं। उसके बाद से OMG 2 छोड़कर उनकी कोई भी फिल्म चली नहीं है, मगर 2024 में अक्षय पुराना हिसाब चुकता करने के मूड में दिख रहे हैं। इस साल वो 3 फिल्मों में दिखेंगे, वेलकम का तीसरा पार्ट वेलकम टू द जंगल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और सिंघम अगेन में कैमियो। DMCM को लेकर यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है जो इसे 2024 की सबसे एक्साइटिंग फिल्मों में से एक बना रही है। जल्द ही इस फिल्म का टीजर आना है, इसलिए मेकर्स ने फिल्म के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को दुनिया के 4 अलग अलग देशों के 15 लोकेशंस पर वर्ल्ड क्लास एक्शन सीक्वेंस इसके वहाँ पर शूट किए गए हैं। इसमें लंदन जैसा प्राइम लोकेशन भी शामिल है। सोशल मीडिया पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के एडिट रूम से 2 तस्वीरें बाहर आई हैं। इन 2 फोटोज़ में बाइक चेस सीक्वेंस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स की झलक मिली है। बताया जा रहा है कि ये दोनों सीन्स फिल्म के टीज़र का हिस्सा होंगे, जिसे जल्द ही रिलीज़ किया जाना है। फिलहाल उसकी एडिटिंग चल रही है। इस हाई ऑक्टेन एक्शन बेस्ड फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो इसे अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनाता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कहानी एक थोड़ी थोड़ी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी है। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन एक AI साइंटिस्ट का रोल कर रहे हैं, जो रोबोट्स और ड्रोन्स की आर्मी बनाना चाहता है, मगर इस आर्मी को बनाने के पीछे उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। उसे रोकने के लिए 2 इंडियन ऑफिसर्स को भेजा जाता है। ये रोल अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने किए हैं। इन 3 लोगों के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और मानुषी छिल्लर भी इस फिल्म का हिस्सा बताई जा रही हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। अली इससे पहले मेरे ब्रदर की दुल्हन, टाइगर जिंदा है, सुल्तान और भारत जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। उनका सक्सेस रेट बढ़िया रहा है, मगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ वो अपना रेंज बड़ा करना चाहते हैं। अली सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म की शूटिंग और एक्टर्स की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं ताकि फिल्म का बज़ बना रहे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ईद 2024 पर रिलीज किया जाना है। मेकर्स जनवरी के आखिर तक फिल्म का टीजर रिलीज कर फिल्म की दुनिया के बारे में जनता को बताना चाहते हैं, ताकि पब्लिक को पता रहे कि उन्हें इस फिल्म में क्या देखने को मिलने वाला है। तो क्या आपको भी बड़े मियाँ छोटे मियाँ का इंतजार है? कॉमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।